रोटरी क्लब शिमला द्वारा डिस्ट्रिक्ट शिमला चेस एसोसिएशन के सहयोग से दो दिवसीय ओपन जिलास्तरीय चेस प्रतियोगिता का आयोजन रोटरी टाउन हॉल में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज रोटरी क्लब शिमला के पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन कपिल देव सूद ने किया। प्रतियोगिता में लगभग 48 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें 6.5 साल की सबसे कम उम्र की छात्रा भी शामिल है। जिलास्तरीय विजेता प्रतिभागी 26 व 27 जुलाई को बिलासपुर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। रोटरी क्लब शिमला के अध्यक्ष रोटेरियन सौरभ सूद ने इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को खेलों की ओर अग्रसर करने के लिए रोटरी क्लब शिमला निरंतर प्रयासरत है और इस वर्ष रोटरी क्लब शिमला की ओर से अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। अभी ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की चेस प्रतियोगिता रोटरी क्लब शिमला करा रहा है, ये हम करा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला चेस एसोसिएशन के सहयोग से। मेरे साथ स्टेट चेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संजीव ठाकुर जी हैं यहाँ पर, और हमारे सीनियर मोस्ट रोटेरियन पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन कपिल देव सूद जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ सीनियर पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन मनमोहन मनचंदा जी हैं, क्लब के कोषाध्यक्ष रोटेरियन मणिक वर्मा जी हैं, और आज इस प्रतियोगिता में कुछ 48 लोग, ओपन प्रतियोगिता है, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें ज़्यादातर स्कूल के छात्र हैं। जैसे कि हम पहले से कह रहे हैं कि हम इस साल रोटरी क्लब के माध्यम से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सबसे छोटी जो छात्रा हैं वो 6.5 वर्ष की हैं, और जो सबसे एजेड हैं वो 70 वर्ष के हैं, वो रिटायर्ड एक्सियन हैं बिजली बोर्ड से। ये प्रतियोगिता 2 दिन चलेगी और यहाँ पे जो भी विजेता होंगे वो स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में भाग लेने बिलासपुर जाएंगे, जो कि 26 और 27 जुलाई को होने वाला है टूर्नामेंट। तो यहाँ पे इस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हुए मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामना देता हूँ, और रोटरी क्लब के सौजन्य से हम इस वर्ष में अलग अलग खेल कार्यक्रम, जिसमें इंडोर स्पोर्ट्स भी रहेंगे, आउटडोर भी रहेंगे, वो करते रहेंगे, और मैं यूथ से निवेदन करूंगा कि बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स में भाग लें और इन प्रतियोगिताओं को सफल बनाएं। इस टाइप का कार्यक्रम रोटरी क्लब पहली बार करा रहा है। मैं धन्यवाद करूंगा डिस्ट्रिक्ट शिमला चेस एसोसिएशन का, जिन्होंने हमारे साथ सहयोग किया है इस प्रतियोगिता को, इस शुभारंभ को करने में, और आगे भी हम ऐसे ऐसे एसोसिएशन के साथ कलाबोरेट करते रहेंगे और इस टाइप के कार्यक्रम प्रतियोगिताएं कराते रहेंगे। जो बच्चे आए हैं शिमला से हैं, ठियोग से हैं, घनाटी से हैं, शोघी से हैं, जितने भी शिमला के आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज हैं, अगर मैं कोटखाई से भी आए हैं, रोडू से भी बच्चे आए हैं, अगर शिमला के स्कूलों का नाम लें तो पोर्टमो स्कूल की छात्राएं आई हैं, बिशप कॉटन स्कूल जहां पे अभी हमने इंटरैक्ट क्लब भी स्थापित किया है वहां के छात्र आए हैं, ऑकलैंड हाउस स्कूल से आए हैं छात्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, और एक होप फाउंडेशन है जिसको विक्रम कंवर जी चलाते हैं, वहां के छात्र आए हैं यहां पे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। जो विजेता होंगे उनको कुछ कैश पुरस्कार दिए जाएंगे, मेमेंटो दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट सभी प्रतिभागियों को दिए जाएंगे, और जो विजेता रहेंगे वो स्टेट चेस चैंपियनशिप में जाएंगे, जिसका जिनको हम स्पॉन्सर करेंगे रोटरी क्लब शिमला और डिस्ट्रिक्ट शिमला चेस फेडरेशन। को इंटरनेशनल चेस डे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी प्लेयर्स को, सभी ऑर्गेनाइजर्स को, और मैं संजीव ठाकुर, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया चेस फेडरेशन और इंडियन टीम का चेस, इंडियन चेस टीम का मैनेजर हूँ, और अभी जो मैं इंडियन चेस टीम के साथ दुबई गया था और वहाँ से हमने 50 गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीत के लाया चेस में, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप वहाँ चली थी अलोन में। रोटरी क्लब ने हमारे से कोलेबोरेट किया, ये प्रतियोगिता एक्चुअली में हम ठियोग में ही करवा रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ भी हम आपका सहयोग करते हैं, तो हम इनका अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारा सहयोग किया और इस प्रतियोगिता को शिमला में और ख़ास करके माल रोड पर कराने में जो एक अहम भूमिका अदा की है। मैं अपनी तरफ से और डिस्ट्रिक्ट शिमला की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ।